आज अपन कक्षा 10 के पाठ 6 केंद्र सरकार, केंद्र सरकार सरकार से संबंधित कई प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे अपन इसके बारे में अपन देखते हैं सरकार किसे कहते हैं। इसमें देखते हैं राज्य एक भावात्मक अवधारणा है इसे यह अमूर्त तथा अदृश्य, यह क्या है अमूर्त तथा अदृश्य संस्था है, अमूर्त तथा अदृश्य संस्था है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाले अंग को सरकार कहती हैं। राज्य भावात्मक अवधारणा है, ये अमूर्त तथा अदृश्य संस्था है और इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं सरकार कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अब प्रमुख एक राजनीतिक कारण गार्नर के अनुसार सरकार मशीन या अभिकरण है जिसके माध्यम से नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसके माध्यम से राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसे सरकार कहती है। सरकार गार्नर क्या कहता है, सरकार मशीन या अभिकरण है जिसके माध्यम से राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं सरकार कहते हैं। अब क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। नंबर 1 सरकार के कितने अंग हैं 3 अंग। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका, नंबर 3 न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका नंबर 1 पर इसको देखते हैं, ये क्या करती है, कानूनों का निर्माण करना। कानून कौन बनाते हैं, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ये क्या करती है, कानून कौन बनाती है, व्यवस्थापिका। भारत में व्यवस्थापिका किसको कहते हैं, संसद को कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका संसद को अलग अलग देशों में अलग, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, अफगानिस्तान में शेरा कहा जाता है। तो इस प्रकार भारत में व्यवस्थापिका है संसद, क्या करती है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अब न्यायपालिका क्या करती है, 2 प्रकार के कार्य करती है। नंबर 1 वह ये देखती है कि जो कानून बनाए गए वह संविधान के अनुसार है या नहीं, कानून संविधान के
अनुसार है या नहीं, इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। और अगर संविधान के अनुसार कानूनों की समीक्षा करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन भी कहलाता है। नंबर दो, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, नंबर दो कार्य क्या करती है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू नहीं करती है तो लागू करवाना। ये दो प्रकार के कार्य ये किसके द्वारा किए जाते हैं? न्यायपालिका के द्वारा किए जाता है। तो सरकार के तीन अंग, कार्यपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका, अब ये इनके कार्य है। अब अपन देखते हैं सबसे प्रमुख रूप से यहां पर अपन आज अध्ययन करेंगे व्यवस्थापिका में कौन कौन से हैं। व्यवस्थापिका नंबर एक, व्यवस्थापिका भारत में व्यवस्थापिका से तात्पर्य संसद है। व्यवस्थापिका भारत में संसद। आप देखते हैं जो भी कार्य या अपन करते हैं वह किसके अनुसार? संविधान के अनुसार करते हैं। तो अपन देखते हैं संसद शब्द का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि संसद के दोनों सदन तथा राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। दो सदन है संसद में, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ये स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है 79 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद के दोनों सदन तथा राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करती है? संसद का निर्माण करती है। सदन दो सदन और राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करती है? संसद का निर्माण। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में संसद शब्द का उल्लेख किया गया है। अब अपन देखते हैं संसद में अलग अलग अंगों के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण अपन देखते हैं अंग कौन सा है। सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग समय तथा अपने अधीनस्थ
पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, वह इसका प्रयोग समेस तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति है वह उसका निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। तो अपन एक देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरियल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? नंबर एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते। नंबर दो, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर तीन, दिल्ली व पुदुचेरी के पुदुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है। ऑप्शन, अब कथन के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य ऐसा आ सकता है, तो ध्यान रखना। 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते? संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। नंबर दो, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्यों की, जिस राज्य में दो सदन है विधानसभा और विधान परिषद, उसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अब अपन देखते आगे राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, कि कौन सा व्यक्ति है वह राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, नंबर एक वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष या उससे अधिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। नंबर तीन, वह लोकसभा सदस्य
सुनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का योग्य। नंबर चार, वह लाभ का पद धारण किया हुआ न हो, ये योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो या उससे अधिक, वह लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ का पद धारण किया हुआ न हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य होता है। अब ये इसका उल्लेख राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। एक राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ का पद धारण किया हुआ न हो। लाभ के पद के अंदर आते हैं, लाभ का पद के अंतर्गत कौन नहीं आते? राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है और उसके बाद में केंद्र तथा राज्य के मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो ये आपके योग्यताओं का उल्लेख। अब अपन देखते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यपाल से संबंधित कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से में किया गया है? इसका उल्लेख सामान्य राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। इसको 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। और अब इसमें देखते हैं इस 5 वर्ष ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 56 अनुच्छेद आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, उससे पूर्व भी उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा कहता है? 56 कहता है। आर्टिकल 57 इस बात का उल्लेख करता है कि क्या करता है, भारत में कितनी बार भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा उल्लेख नहीं है कि 2 बार 3 बार, कितनी बार, जैसे अमेरिका में सामान्य राष्ट्रपति कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। परंतु भारत में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और उसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित अपन देखते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से है? अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ये क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ। और राष्ट्रपति इसकी शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। लोगों के कल्याण
की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा करना और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। और शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इसको क्या राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब अपन आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है चुनाव है वह कौन करता है? चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये क्या करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन करता है। अब अपन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, क्या करता है? कोई विवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा वह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा का कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किन परिस्थितियों में कैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं। अपन ने इसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष 56 में इस बात का उल्लेख है कि इसको उन 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अब ये एक शब्द है महाभियोग, महाभियोग इंपीचमेंट, ये मात्र एक राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया। ये महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख। अब राष्ट्रपति को पद से किस किन परिस्थितियों में हटाते हैं, तो ये क्या कहता है? संविधान का, संविधान का उल्लंघन, उल्लंघन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है, उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब पद से हटाया कैसे जाता है, ये प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, पद से हटाते। अब इसमें क्या होता है, नंबर एक, जिस पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर दो, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। ये सदन में महाभियोग लाते हैं तो उससे कितने दिन पूर्व? ये 14 दिन पूर्व इसके बारे में सूचना दी जाती है। अब आगे अपन देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अब ये संविधान क्या कर दिया, महाभियोग जिस भी सदन में लाया जाता है उस सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में उसी प्रकार से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत होना पड़ता है। तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका इंपीचमेंट का उल्लेख किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग का उल्लेख किया गया, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद कौन सा? 61। तो ये अब अपन देखते हैं
राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती है, राष्ट्रपति है वह किन किन शक्तियों का उनके पास में होती है। नंबर एक अपन देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति के ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्ति। नंबर एक कार्यपालिका संबंधी शक्ति, नंबर दो व्यवस्था का संबंधी शक्ति, नंबर तीन न्याय पालिका संबंधी शक्ति। ये सभी किसमें दो प्रकार की शक्ति होती है, एक होती है सामान्य कालीन शक्ति और दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियां। दो राष्ट्रपति कितने प्रकार की, दो, एक तो सामान्यकालीन शक्ति होती है, दूसरी कौन सी होती है आपातकालीन शक्तियां। ये सभी कार्यपालिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी शक्ति और तीसरी है वित्तीय वित्तीय शक्तियां और नंबर चार वैदेशिक शक्तियां। ये सभी किसके अंतर्गत आती है, सामान्य कार्यपालिका संबंधी शक्ति, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, न्यायपालिका संबंधी, वित्तीय संबंधी और वैदेशिक संबंधी शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। वो अब अपन देखते हैं प्रमुख रूप से कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति व कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियों का निरूपण उसके द्वारा किया जाता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति कोई भी भारत में अगर कार्य किया जाता है तो वो किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भारत में कोई भी कार्य है तो वह किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति। ऐसा कौन सा कहता है, अनुच्छेद कौन सा 77 इस बात का उल्लेख करता है। अब आगे अपन देखते हैं कार्यपालिका संबंधी उसके बाद में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे अपन और देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, तो अपन देखते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह या सिफारिश पर करता है। अब मंत्रिपरिषद की और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद है, 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा ऐसा उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कौन सा, भारत का सबसे बड़ा विधिधिकारी होता है वह कौन सा है, महान्यायवादी। और अनुच्छेद कौन सा है, 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब अपन देखते हैं नंबर दो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की
नियुक्ति भी मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। तो ये आपके राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी मंत्रियों के आवंटन संबंधी नियम, आवंटन संबंधी नियमों की जो बनाता है वो भी कौन बनाता है, राष्ट्रपति। तो ये आपके राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह शासन से संबंधित जानकारी वह राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 78 इस बात का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री का ये क्या है, कर्तव्य, वह शासन से संबंधित जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह शासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 78 में क्या होगा, कर्तव्य है। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का दायित्व है, कर्तव्य है, तो ऐसा कौन क्या है, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह शासन से संबंधित जानकारी किसको उपलब्ध करवाएगा, राष्ट्रपति। तो ये आपके राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब आगे अपन है राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, उनके बारे में अपन देखते हैं।